ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः पदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायने चैतन्य नामने गौर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी सीताधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत शिवाचार्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं कैंटो थर्ड चैप्टर सेवेंथ और श्लोक संख्या 36 से होगा तो विदुर जी सारे प्रश्न जब पूछ लेंगे तब मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरू करेंगे जितने प्रश्न पूछे विदुर जी ने उन सब के उत्तर आपको मिलेंगे तो इतना सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं इतना अच्छा अच्छा कि जब उसका उत्तर सुनिएगा तो बहुत आनंद आएगा। ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में भी उठते हैं हम नहीं समझ पाते हैं लेकिन विदुर जी बहुत बुद्धिमान थे इसलिए वो पूछे और उनके माध्यम से हम सबका कल्याण होने वाला है। तो अभी जो प्रश्न है वो है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु होते हैं वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो ये गुणगान कर रहे हैं कि गुरुजन अब गुरु को चिंता होती है ना गुरु को क्यों क्यों चिंता होती है क्योंकि गुरु को ज्ञान होता है। आज मैंने एक वीडियो देखा बहुत सुंदर फॉरवर्ड किया है नागरुचि में जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति जिसको उसका ज्ञान था अपने उनके शास्त्रों का कुरान वगैरह का वो भगवद गीता पढ़ते हैं वो व्यक्ति और उनके जब वो कुरान पढ़े थे या जो भी उनके जो भी पुस्तक हैं तो उनको संतुष्टि नहीं मिली थी परंतु जब भगवद गीता पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा संतुष्टि मिली। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो आगे क्या ऐसा उनका दिमाग चलता है और वो इस दुनिया के चीज़ों से और यहाँ की जो भौतिक परिस्थिति है भौतिक स्थिति है उससे वो खुश नहीं होते हैं उन्हें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको बस खाना पीना सोना हो गया तो बस उसी में मस्त रहते हैं
लेकिन जो इंटेलिजेंट क्लास है, जो बुद्धिमान है, वो उसमें खुश नहीं होते हैं, वो सत्य की खोज करते हैं, और सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति जो होता है वही प्रश्न करता है और वही आगे बढ़ता है। तो विदुर जी बहुत बुद्धिमान थे। तो विदुर जी कहते हैं कि गुरु गुरु बहुत कृपालु होते हैं, इसीलिए हम जो नहीं भी पूछते हैं वो भी प्रश्न का उत्तर गुरु दे देते हैं। सत्य बात है कि नहीं? क्योंकि आप गड्ढे में अगर गिर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं, पर गुरु को पता होता है कि ये जा रहा है गड्ढे की तरफ, गिरने वाला है उसको पहले। आप अपने बच्चे को सावधान करते हैं कि नहीं? जैसे मैं पहले बच्चे को घर में बंद करके जाती थी, बाहर से ताला बंद कर देती थी, घर में छोड़ देती थी, और बोलती थी गैस मत ऑन करना, कोई बिजली का कोई चीज मत छूना, सिर्फ ऐसे खेलना, हम एक घंटा में आ रहे हैं, ऐसा कुछ डॉक्टर के पास जाना है कुछ है। तो हर जगह बच्चे को नहीं दे सकते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार, खेलेगा कूदेगा, घर में रहेगा, तो हम मना करते हैं बच्चे को, ये मत करना, हाथ जल जाएगा, कट जाएगा, करंट लग जाएगा, ये सब के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि बच्चे को ज्ञान नहीं है, वो ये सब गलती करेगा। तो वैसे ही इस भौतिक दुनिया में जो मोह माया है, जो भटकाती है हमें, उन मोह माया से सावधान कौन करते हैं हमें? गुरु। कि इसमें फंसो मत, फंसने से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो तो उसका उपयोग करके इस दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करो। इसीलिए हमें नहीं भी इंटरेस्ट है तभी भी गुरु बोलते हैं आओ बैठो सुनो, आओ बैठो सुनो, कल्याण नहीं होगा इसके बिना। ये उनकी कृपा है, क्योंकि वो करुणामय होते हैं, कृपालु होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आगे उद्धव जी, सॉरी विदुर जी, कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है, और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है? ना प्रश्न उठता है ना आपके भी दिमाग में कि प्रलय कितनी बार होता है, उस प्रलय में कौन कौन नष्ट हो जाते हैं, कौन बच जाते हैं, कैसा दिखता होगा ये दुनिया, फिर भगवान बचे रहते हैं तो भगवान अकेले रहेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ तो उत्तर तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि उत्तर तो बाद में वो देंगे, थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी हिंट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा भगवान है, अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणारणों में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटते हैं, मैं उन आदि भगवान की पूजा करती हूँ। ये ब्रह्म संगीता का, ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी गीत गा रहे हैं, ब्रह्म संगीता में जो श्लोक है वो सब ब्रह्मा जी के शब्द हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान लेटे रहते हैं, तो ये आंसर नहीं है। तो भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान प्रलय करते हैं, भगवान पालन करते हैं हमारा, भगवान को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है कि हम उनकी सेवा करें, वो तो जब चाहेंगे हजारों लाखों पैदा कर देंगे सेवा करने के लिए, है नहीं है कि सच सच बात है कि नहीं? तो यहाँ पूछा उन्होंने विदुर जी ने, और प्रभुपाद ने कहा कि जब जगत का प्रलय होता है, जब ये भौतिक दुनिया का प्रलय होता है, तो न तो भगवान का प्रलय होता है, न उनके राज्य का प्रलय होता है, और ना भगवान के संगियों का प्रलय होता है, ना भगवान के धाम का प्रलय होता है, ये सब का प्रलय नहीं होता है। प्रलय किसका होता है? अब ये भी बात है कि ये संख्या बहुत छोटी है, हमारी संख्या बहुत छोटी है, भगवान का जो धाम है और उनका जो धाम में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। वो संख्या कितनी बड़ी है बताइए? बहुत बार मैंने बताया, हमारा जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिसको भौतिक दुनिया कह रहे हैं, कहते हैं, वो है 25%, 25%, और भगवान
जिस दुनिया में रहते हैं वो कितना परसेंट है? 75%। तो 25% दुनिया में भी पूरी दुनिया का प्रलय नहीं होता है, कुछ पार्ट का प्रलय होता है। तो भगवान का जो धाम है और वहां जो निवास करने वाले उनके पार्षद हैं, उनका प्रलय तो होता ही नहीं है। तो भगवान को कुछ कमी होगी, उनके लीला में कहीं बाधा आएगी, कोई चीज में कुछ कहीं रुकावट नहीं होगी ना। तो मैंने कितनी बार बताया है आप लोगों को ये बात कि जो प्रभुपाद बताते हैं कि ये दुनिया एक जेल के समान है। जैसे यहाँ पे एरोडा जेल है और पुणे शहर है, तो जेल में कितने लोग हैं और बाहर कितने लोग हैं? बोलिए, बाहर है ना ज्यादा, जेल में तो बहुत कम है। तो जेल में अगर प्रलय हो गया तो कुछ बाहर के दुनिया में फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार यहाँ अगर प्रलय हो गया तो भगवान के धाम और भगवान के पार्षद जो हैं, उनकी जो लीलाएं होती हैं, उस पे कोई असर नहीं होगा। फिर कहते हैं पुरुषस्य, एक श्लोक पढ़ लेती हूँ। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत् तत् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। जीवों तथा भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, तथा गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। क्यों गुरु चाहिए, हम क्यों गुरु स्वीकार करें, क्या जरूरत है, जीव कौन है, भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते नहीं है, उठना चाहिए। दिमाग में तो एक ही प्रश्न उठता है कि सुबह रात को सोए तो सुबह क्या कुकिंग होगी, और सुबह उठे तो दोपहर और शाम को क्या कुकिंग होगी, कपड़े कैसे धुलेंगे, सिवाय इसके कुछ प्रश्न उठता है क्या? और कैसे मेरा खाली 16 माला हो जाए, बस इसके बाद दिमाग आगे काम करता ही नहीं है। इसके आगे दिमाग काम करता ही नहीं है तो फिर ये सारे प्रश्न कहां से आएंगे, है ना? ये सारे प्रश्न बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। किसके दिमाग में आते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति के। आपको बुद्धिमान बनना है? बोलिए तो कितने लोगों को बुद्धिमान बनना है? तो बुद्धिमान कैसे बनते हैं, सुन लीजिए, बात हंसने की बात नहीं है। चाकू देखा है? चाकू में धार लगाएंगे, जितना ज्यादा वो क्या बढ़ेगा, उतना ज्यादा तेज। धार नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लंट, कुछ नहीं कटेगा उससे। चाकू को छोड़ दीजिए तो कुछ भी उससे नहीं कटेगा, पूरा उसका धार समाप्त हो जाएगा, जंग भी लग जाएगा। लेकिन अगर रोज उससे काटते रहेंगे, उसको धार लगाते रहेंगे तो बहुत तीखा हो जाएगा, उंगली रखते ही काट देगा उंगली को, पता है ना? ये बात सच है कि नहीं है? इसी तरह बुद्धि को धार लगाना पड़ता है। जब बुद्धि को धार लगाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे बार बार, तब बुद्धि तेज होगी, और छोड़ देंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? डल हो जाएगी। अभी एक बात बताइए आप मुझे, आपके ही बच्चे पढ़ रहे हैं ना कॉन्वेंट इंग्लिश, चलो कोई भी कॉन्वेंट नहीं, कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, आप सबके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? उसी में से कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर भी बन रहा है, तो वह आपका ही खून है, आप ही पैदा किए हैं उसको। तो वो इंजीनियर बन सकता है पर आप नहीं बन सकते हैं, आप नहीं बने पर वो बन गया, क्या फर्क था? वो स्कूल में गया और आप स्कूल नहीं गए, वो कॉलेज गया और आप कॉलेज
नहीं गए, पर है वही बुद्धि, कोई फर्क नहीं है, वहां धार लगा था, यहां धार नहीं लगा। तो अभी धार लगाइएगा तो अगला जन्म में तेज बुद्धि होगा। तो धार लगाइए, उसको बार 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 कथा को सुनिए, कथा से प्रश्न उठाइए, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, उसको पढ़िए, जिसको जिसको जिनको पढ़ने आता है पढ़िए, जिनको नहीं पढ़ने आता सुनिए कथा। भगवत कथा सुनते सुनते प्रश्न पूछते पूछते दिमाग तेज होगा। छोड़ दीजिएगा तो, अगर छोड़ देगा कोई लिखना पढ़ना तो ग्रेजुएट होकर के मास्टर्स होके भी सब भूल जाएगा, ऐसा होता है। पढ़ाई लिखाई करके हाउसवाइफ बन गया, रोज चूल्हा चौका किए, बाकी सब छोड़ दिए, बाद में उसको बोलिए कुछ भी करने के लिए तो कुछ कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। और वही पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई कर, नौकरी करने लग जाता है या कहीं ऑफिस में, तो उसका दिमाग और तेज हो जाता है। आध्यात्मिकता में सूक्ष्म दिमाग की आवश्यकता होती है और सूक्ष्म दिमाग बनाना पड़ता है, बनाने से बनेगा। अच्छा प्रसाद ग्रहण करेंगे सात्विक, दिमाग तेज बनेगा। सात्विक प्रसाद ग्रहण करने से दिमाग तेज बनता है। सात्विक प्रसाद किसको कहते हैं? भगवान को तो आप बर्गर पिज्जा भी भोग लगा देते हैं, मसाला चिली पनीर भोग लगा देते हैं और बोलते हैं कि भगवान को भोग लगा लिया। नहीं, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में, सुनिए मेरी बात, जगन्नाथ भगवान रोज छप्पन भोग खाते हैं ना, उनके मंदिर में कभी कोई तरह का मिर्च नहीं जाता है, मिर्च के बिना भोग बनता है सारा। आपके घर में ऐसा होता है? नहीं होता है, बताइए। तल तल के, छान के, तल के, क्या 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 बनाएंगे तो दिमाग कैसे तेज होगा? दिमाग तेज होगा सात्विक आहार लेंगे तो। भोग तो लगाते सब हैं, पर क्या भोग लगाना है भगवान को बताइए? सात्विक मतलब भगवत गीता में बताया गया है तीन प्रकार के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो तला छना होता है वो राजसिक है और जो बासी होता है वो तामसी है, और जो फल रस रसीला होता है, ताजा होता है, वो सात्विक है। सात्विक आहार लेंगे भगवान को भोग लगा के तो बुद्धि तेज होगी, कम नींद होगी, कम सोएंगे, हर समय दिमाग काम करेगा, अपने जीने के ढंग को थोड़ा बदलना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आगे बढ़ना चाहते हैं मगर भूल जाइएगा यहाँ से जाने के बाद आप लोग सब कुछ, मुझे पता है, और सिर्फ लेक्चर के समय हाँ हाँ करेंगे बस हो गया। तो आगे विदुर जी पूछते हैं, भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है, ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति और वैराग्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? भक्ति करने से वैराग्य पैदा होता है और ज्ञान भी पैदा होता है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अगर की और कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ मतलब कहीं गड़बड़ी है, और वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ मतलब भी कहीं गड़बड़ी है। वैराग्य कहां से होता है? इस दुनिया से। इस दुनिया से वैराग्य होना चाहिए और भगवत तत्व के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये भक्ति का क्या है? बाय प्रोडक्ट, भक्ति के पुत्र है। कौन सा ज्ञान? कैसा ज्ञान? क्या समझना? ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पहला ज्ञान, ये सारे रिश्ते नाते झूठे और टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। ये क्या है? क्षणिक है, समाप्त होने वाले हैं। शरीर के रिश्ते समाप्त होने वाले हैं, आत्मा का जो रिश्ता है भगवान के साथ
वही सत्य है, ये ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य होना चाहिए किस चीज से? इस दुनिया के झंझटों से वैराग्य। इस दुनिया के जितनी जितनी चीजें हैं जो आपको बांध के रखी है उससे छुटकारा, वैराग्य ये पैदा होना चाहिए। भक्ति करेंगे तो ये पैदा होना चाहिए। अगर अगर ये पैदा नहीं हो रहा मतलब भक्ति करने में कोई कमी हो रही है। जैसे भोजन करते हैं, ये आचार्य बताए हैं हमारे, जैसे भोजन करते हैं या भागवत में भी लिखा है, तो भोजन करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है? जैसे एक कौर खाया, दूसरा कौर खाया, तीसरा कौर खाया, खाते जा रहे हैं, शुरू में बहुत जोर से भूख लगी है तो थाली आया सामने में, कुछ नहीं देखिएगा सीधे खाना शुरू करेगा, ठीक है ना। दो चार दस कौर खाने के बाद आप इधर उधर देखिएगा या थोड़ी बातें करिएगा, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी, सच बात है कि नहीं? तो जब भूख बहुत तेज लगती है तो जैसे जैसे निवाला पेट में जाता है आपको, आपको पहले क्या होता है? भूख की शांति, शुद्धा तृप्ति, जो भूख थी वो समाप्त होने लगती है। दूसरा तृप्ति होती है, आपको संतुष्टि मिलती है। तीसरा एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। बहुत कमजोरी लग रही थी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें कोई दे दो से पिला के। तो ये बताने की बात है या अपने आप समझ में आ जाता है ये सारी चीजें? खाने वाले को अपने आप ये सारी चीजें समझ में आ जाती है कि ये सब हमको मिल गया, दिखता है, प्रकट हो जाता है, खाते ही वो प्रकट हो जाता है। वैसे ही भक्ति करते ही प्रकट होना चाहिए, क्या? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करें और वैराग्य नहीं हुआ दुनिया से मतलब भक्ति सही नहीं हो रही है। भक्ति करे और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ मतलब भक्ति सही नहीं हो रही है, गड़बड़ी हो रही है भक्ति में। या तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है हमसे, या तो हम सीरियस नहीं है भक्ति के मामले में, जो भी गुरु ने कहा है कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं ठीक से। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो न ज्ञान होगा न वैराग्य होगा। अगर हम 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, 20 साल से भक्ति कर रहे हैं और हमारी नौका वहीं की वहीं टिकी हुई है, हिली नहीं रही है, मतलब क्या हुआ? गड़बड़ी है ना। एक परिवार था जो बारात जाने वाला था, ठीक है, बारात, उसको बारात जाना था लड़के को शादी करने के लिए। तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा समाज था, तो सब आए और बैठे हैं कहां? नौका पर। एक नदी थी और नदी में बड़ा सा नौका था, उस पे आके सारे लोग बैठ गए और नाविक को चलाना था और सुबह में उस पार पहुंच जाते जहां भी जाना था, दूर जाना था, और वहां शादी होनी थी। अब सारे लोग जो थे वो नौका में बैठ गए, धीरे धीरे लोगों को नींद आ जाती है ना, रात का समय था। सुबह जब उठे तो देखे नौका तो वहीं का वहीं है, आगे गया ही नहीं, उस पार जाने, उस पार तो छोड़ो थोड़ा भी आगे नहीं गया, वो वहीं रह गया। सबने सोचा कि रात को तो देख रहे थे नाविक चला रहा था नाव, हम सबने देखा कि नाव चला रहा है, जोर जोर से नाव चला रहा है, तो फिर नौका हमारी वहीं के वहीं कैसे रह गई? क्योंकि नौका जो लंगर से एक लंगर होता है लोहे का, जिसको वहां डाला जाता है, जिससे नौका क्या होती है वहीं पे अटक जाती है, तो लंगर को खोलना पड़ता है तब जाकर के नौका पानी में तैरने लगती है, मतलब हल्की हो जाती है, खुल जाती है उस जगह से, फिर नाविक उसको खींच खींच के ले जाता है। उसने लंगर खोला ही नहीं था, क्या हो गया? पूरा मेहनत किया लेकिन नौका आगे नहीं बढ़ी। उसी प्रकार 10 साल बिता दिए, 20 साल बता दिए, 25 साल बिता दिए, पूरा जीवन भक्ति कर दिया हम, पर कोई उन्नति नहीं हो रही है क्योंकि लंगर खोला ही नहीं।
माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उन्नति नहीं हो रही है। कहीं गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसका ध्यान किसको देना पड़ेगा? खुद को ना, खुद को कि दूसरे को? कोई दूसरा दे सकता ध्यान? नहीं, खुद को। कहां हम गलती कर रहे हैं जिससे हो रहा है गड़बड़ी? क्यों हो रही है? हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, पर इससे सिर्फ मेरा नहीं कल्याण होगा, उन सबका कल्याण होगा जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। यानी कि दृष्टि किसको कहते हैं? जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। आप सबों के मित्र हैं, अथवा अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ, उन सबके लाभ के लिए वर्णन करें जिनकी दृष्टि क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी। अंधा, अज्ञानी व्यक्ति को अंधा कहा जाता है। शास्त्र क्या बताता है? अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, मतलब हम क्या है? अंधे हैं। सच है कि झूठ है? इसीलिए यह श्लोक है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलिता येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ क्या है? हम अज्ञान रूपी अंधकार में हैं और गुरु क्या करते हैं? ज्ञान रूपी इस अंधे आंखों पर ज्ञान रूपी काजल लगा के उसको खोल देते हैं, जिससे हमको सच्चाई नजर आती है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ज्ञान नहीं होना बहुत बड़ा श्राप है, अज्ञानता में रहना, अंधकार में रहना बहुत बड़ा श्राप है। समझ रहे बात को? सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, ऐसी आंखें जो हमारे पास हैं, पर फिर भी उनको रोज भगवान क्या कपड़ा पहने हैं दिखता था। समझ रहे बात? सच्ची बात है, ये झूठ बात नहीं है। सूरदास जी बहुत पहले के आदमी नहीं थे। कब के थे? 500 साल पहले। तो सूरदास जी आंखों से अंधे थे, परंतु भगवान की इतनी कृपा थी उनके ऊपर कि रोज भगवान उनको दर्शन देते थे। अंधे व्यक्ति को रोज भगवान दर्शन देते थे, ये विश्वास लोगों को नहीं होता था, सिवाय उनके जो भक्त थे। भक्त को तो समझ में आता है, जो भक्त नहीं है उनको क्या लगता है? कोई बता देता होगा, नाटक होगा, झूठ बोलता है, इतने लोग हैं, कोई बताता होगा आज भगवान हरा पहने, आज भगवान पीला पहने, आज भगवान लाल पहने, ऐसा ही लगता है ना। आजकल के जो आचार्य हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, नाम तो सब लोग जानते होंगे, है ना, बागेश्वर धाम सरकार, तो वो पर्ची खोलते हैं, ये लिख देते हैं, आप जाएंगे उनके पास प्रश्न पूछने के लिए, वो आपका पूरा लिख के पहले से रख देंगे। आपके दिमाग में जो है प्रश्न, वो सारा प्रश्न वहां पे पहले से, ये कौन बताता है उनको? हनुमान जी बताते हैं, रामचंद्र जी, हनुमान जी कृपा से। पर जो भक्त नहीं है उनको क्या लगता है? सब सेटिंग होगी, सब झूठ बोल रहा है, सब सेटिंग होगी। कितने के साथ सेटिंग करेंगे? वो पूरी पब्लिक, अलग अलग शहर में जाते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, कितने के साथ सेटिंग करेंगे? वो संभव ही है? तो जो भक्त नहीं है उसको विश्वास नहीं होता, पर भक्त को विश्वास होता है। तो सूरदास जी के साथ जब ऐसा होता था, रोज जाते थे, भजन कीर्तन होता था, गाते थे, बैठते थे, वृंदावन की ही बात है। तो जो भक्त नहीं है वो सब जाके बता दिए राजा जो थे वहां पे, ये सब झूठा चलता रहता है। तो राजकुमार जो थे वो बोले, आज तो पकड़ ही लेंगे, सच्चाई तो सामने आज ले ही आएंगे,
बहुत बड़ा ड्रामा करता है। तो जाकर के पुजारी जी को बोला कि आज भगवान को वस्त्र पहनाओ ही मत, तो देखें कि कौन सा रंग बताता है, ये कौन सा रंग भगवान पहने हैं, आज किस कलर का ड्रेस पहने हैं, ये कैसे बताता है। पुजारी ने नहीं पहनाया भगवान को, और हार तो पहनाएगा ना, मतलब मोतियों का बहुत सारा हार पहना करके उसी से भगवान को ढक दिया, सजा दिया पुजारी ने। सूरदास जी को ले आया कि समय पे जो था आने का, बताइए आज भगवान क्या पहने हैं। और भगवान क्या पहने हैं ऐसा सूरदास जी गाना गा के बताते थे, बहुत अच्छा गाते थे भजन ना, तो सूरदास जी अपने भजन में भगवान का वर्णन करते थे, भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कैसे कपड़े पहने हैं, भगवान का श्रृंगार क्या है, सारा वर्णन करते थे सूरदास जी। तो उस दिन सूरदास जी वर्णन करने लगे, आज तो आप नंगे हैं, बोल दिए, गा दिए, और ये भी बता दिए कि आप पहने हैं मोती, आप मोती का श्रृंगार किए और वस्त्र नहीं पहने, सारा भजन में गा दिए, नंगम नंगा ऐसा करके भजन है उनका। तो ये आंख नहीं रहने के बावजूद भी भगवान उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं जिसके पास भक्ति रूपी चक्षु है, भक्ति रूपी भक्तिमय ज्ञान है। लेकिन जिसके पास भक्ति रूपी ज्ञान नहीं है, उसके पास ये आंखें हैं बड़ी बड़ी, और वो देख रहा है भगवान को और बोलेगा पत्थर के तो भगवान है, क्या इनके सामने क्या फायदा बोलने से, क्या सुनेंगे भगवान, पत्थर की मूर्ति सुनती है क्या, क्यों मंदिर जाना रोज रोज, घर में ही तो बैठो, भगवान घर में नहीं है क्या, ऐसा डायलॉग देंगे सारे लोग। तो असली जो ज्ञान है, असली जो आंखें है, वो गुरु खोलते हैं। गुरु क्या करते हैं, जो बुद्धि के ऊपर मोटा मोटा पर्दा लगा हुआ है हमारी आंखों के ऊपर और हमारे बुद्धि के ऊपर, वो गुरु क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। और तब आपको सच्ची बातें नजर आती हैं। गुरु के कृपा के बिना यह संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं विदुर जी कि जिनकी जिनकी दृष्टि नहीं है, जो जो अंधे हैं, उसके उसके लाभ के लिए आप सारा प्रश्न जो हमने पूछा उसका उत्तर दे दीजिए। दे दीजिए उसका उत्तर। अब आप सोचिए कि प्रहलाद कितने छोटे बच्चे थे ना, कितने बड़े थे, क्या उम्र थी प्रहलाद की, 5 साल की, और पिता कितने बड़े थे, बहुत बड़े थे, हिरण्यकश्यप की उम्र तो काफी थी, राजा थे बहुत बड़े साम्राज्य के, देवताओं को भी उनके राज्य को भी हड़प कर लिया था, पर वो बेवकूफ हिरण्यकश्यप उम्र में तो बहुत बड़ा था, शरीर तो बहुत विशाल था, शक्ति भी बहुत ज्यादा थी शरीर में, पर फिर भी वो 5 वर्ष के बच्चे के बराबर उसको ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है। शरीर बड़ा होने से और धन ज्यादा होने से किसी को भगवान का ज्ञान नहीं होता है। 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है भगवान का भजन करिए, ये जो घर गृहस्थी है, वही प्रहलाद महाराज ने कहा है, ये घर गृहस्थी अंधे कुएं के समान है, इसमें मत फंसिए, हरि का भजन कीजिए, आपको भगवान ने ही शक्ति दिया है, बता रहा है बच्चा, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा है। और अगर ये भगवान है तो भगवान को ही मारेंगे हम, ए विष्णु मेरा दुश्मन है, विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसको मारूंगा, यह है असुर की बुद्धि। तो असुर की बुद्धि जो ऐसी होती है वो क्या है, पूर्ण रूप से अंधा। धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधा था और ज्ञान से भी
अंधा था, दोनों तरीके से अंधा था। ज्ञान बहुत आवश्यक है, अगर ज्ञान नहीं हो तो मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं है। पशु भी सारा दिन यही सोचते हैं कि कहां से क्या खाने मिल जाए और कहां सोने मिल जाए, कहां भोग विलास करने मिल जाए, यही सोचते हैं ना पशु। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो विकास कैसे होगा, बोलिए। हमारे बच्चे अमेरिका चले जाएंगे, हमारे बच्चे बहुत धन कमा लेंगे, लाखों लाख लाखों लाख रुपया सैलरी आएगी, घर भेजेंगे, हमारे पास भेजेंगे, बैंक में बहुत पैसा आएगा, क्या करेंगे उस पैसे का, क्या करेंगे उस पैसे का? वही काम, आहार निद्रा भय मैथुन, वही काम। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि ये शरीर नष्ट होने वाला है और हमको अपना कल्याण के लिए कुछ करना है, तब तक वही काम होता रहेगा, चाहे लाख रुपया हो, चाहे करोड़ रुपया हो, चाहे अरब हो, चाहे खरब हो, कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए घर के हर बच्चे को आपको देना है ज्ञान कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, माला का जप करो, मंदिर जाओ, तभी कल्याण होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर आपका बच्चा सुनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो भी अपना कर्तव्य कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, ज्ञानों, यज्ञों, तपस्याओं आदि से बढ़कर है। तो यदि किसी को आध्यात्मिक ज्ञान हो गया तो भौतिक दुनिया के जो कष्ट है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। यही बता रहे हैं ना कि आपका जो ये उत्तर होगा और समस्त भौतिक दुखों से छुटकारा दिला देगा। भौतिक दुख हमें क्यों होता है, हमें कब कब दुख होता है बताइए? जीवन की आवश्यकता कितनी है, हमारे शरीर की आवश्यकता कितनी है? खाना, कपड़ा और मकान, छप्पर, तीन चीजें सबको चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं ये हर लेवल की होती है, कम बजट की, ज्यादा बजट की, बस ये तीन ही चीजें चाहिए, भोजन, वस्त्र और आवास। पर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कितना खा सकता है, कितने कपड़े पहन सकता है और कितना बड़े रूम में या बिस्तर पर सो सकता है, उसका उसका तो एक लिमिट है ना, नहीं है? कुछ ऐसे लोग हैं, दूसरे देशों के लोग इस देश में भी होंगे, जिनके बिस्तर भी सोने के बने हुए हैं। बिस्तर जो होता है ना बेड, वो सोने का है, पूरा का पूरा बेड गोल्ड, आउट ऑफ मेड आउट ऑफ गोल्ड। बाथरूम में जो स्नान करने का टब है वो भी सोने का है बना हुआ। 25-50 हवाई जहाज है, कार की गिनती नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रही, सच बात है। तो क्या वो उतना धन का प्रयोग कर लेगा इस जीवन में? नहीं, नहीं कर सकता है, पर फिर भी जमा करके रखा है। तो इस दौड़ में हमको नहीं घुसना है कि और जितनी आवश्यकता है उतना मिल गया, बस संतुष्ट हो जाना चाहिए। हमें जितना चाहिए शरीर के लिए उतना हमें मिल जाना चाहिए, आपके बजट के अनुसार। किसी का होता है कि 50,000 में हमारा काम चलेगा, किसी का 5,000 में चलेगा, किसी का 15,000 में चलेगा, सबका थोड़ा अलग अलग बजट होता है। तो हमारा खाना, कपड़ा और मकान, ये तीन जो आवश्यकता है, ये अगर भगवान ने दे दिया तो भजन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, भजन करते जाओ। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज आपको भगवान दिए हैं ना,
जिनको जिनको भगवान ये तीन चीज दिए हैं, भोजन, वस्त्र और घर, उनके भजन में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मानते हैं आप लोग? हाथ उठाइए। तो कितने लोग मानते हैं कि हमको भगवान ये तीनों चीज दिए हैं? इतना थोड़ा थोड़ा हाथ उठा, मतलब ये माता ही लोग का हाथ नहीं उठ रहा, इनको और चाहिए। प्रभु जी लोग का हाथ उठ गया और माता जी का ऐसे ऐसे उठ रहा है। वही तो बोल रही हूँ ना, मतलब आपको, आप संतुष्ट नहीं है, सच बताइएगा, संतुष्ट है कि नहीं है? तो हाथ क्यों ऐसे उठा? हाथ छोटा नहीं है, यही तक उठा है, ऐसे नहीं उठा है। तो यदि आपको भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है और घर है छप्पर, तो आपको भजन करने में कोई दिक्कत है? ये तीन चीज भगवान दे रहे हैं ना, अगर ये तीन चीज नहीं मिल रहा है तो हमको टेंशन है कि अरे कल क्या खाएंगे। वो भी शुद्ध भक्त को तो तभी भी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर जो शुद्ध नहीं है तो उसको है कि अरे हम कल क्या खाएंगे, हमारे पास कल के लिए नहीं है। शिवाज ठाकुर बोलते थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामने भोजन का प्लेट आ जाएगा, और आया, पूरे जीवन आया। और जो सन्यासी हमारे मंदिर में है, ब्रह्मचारी जो मंदिर में है, उनको भोजन मिलता है कि नहीं? वो तो कमाते नहीं है, फिर भी मिलता है कि नहीं? तो ज्यादा सुखी कौन है, वो है कि आप है? अगले जन्म में ब्रह्मचारी बन जाएंगे? बोलिए, अगले जन्म में ब्रह्मचारी बनने वाले हैं? कह रहे हैं विदुर जी, ऐसा दान, कौन सा दान? ज्ञान का दान। मैत्रेय मुनि क्या बताने वाले? ज्ञान देने वाले। जो प्रश्न पूछा विदुर जी ने, उन सबका उत्तर देने वाले। तो ऐसा जो दान है, वो समस्त वैदिक दान, समस्त वैदिक यज्ञ और समस्त तपस्याओं से बढ़कर है। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। सबसे बड़ा दान क्या होता है? ज्ञान का दान। ज्ञान यदि आपने किसी को दिया, ज्ञान का दान कर दिया, तो बाकी जितने दान होते हैं, सबसे ज्यादा आपकी सेवा हो गई, सबसे पावरफुल दान आपने कर दिया। क्योंकि व्यक्ति को ही आप बदल देंगे ना। आज प्रभुपाद अगर ये बुक्स नहीं बेचते, ये बुक्स के माध्यम से हमको ज्ञान मिल रहा है, प्रभुपाद के शब्द मिल रहे हैं, यदि हमारे पास ये ग्रंथ नहीं पहुंचते, ज्ञान नहीं मिलता हमें, तो प्रभुपाद तो चले गए। कोई भी एक व्यक्ति कितने लोगों को प्रचार कर सकता है, लेकिन ये बुक्स के माध्यम से, आजकल वीडियो ऑडियो भी है, तो उसके माध्यम से ये ज्ञान हम सब में पहुंच रहा है और सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई दूसरे, आपको कोई दूसरे चीज का ज्ञान दान मिलता है, कपड़ा, गहना, रुपया, जमीन, खाना पीना, वो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बुद्धि को ही विकसित कर दिया, तो हमेशा के लिए हो गया ना परिवर्तन। आपके बुद्धि को अगर चेंज कर दिया, विकसित कर दिया, तो हमेशा के लिए कल्याण हो गया आपका। इसीलिए सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान, ज्ञान यज्ञ। जो भागवत सप्ताह होता है, उसका दूसरा नाम लोग रखते हैं क्या? ज्ञान यज्ञ। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अभी इस तरह वे मुनि प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या करने लगे।
वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तो ये जो चैप्टर हुआ इसका ये लास्ट श्लोक था। अभी मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करेंगे। अभी तक मैत्रेय मुनि सुन रहे हैं और विदुर जी बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ये अगले क्लास में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग से मैत्रेय मुनि के उत्तर होंगे और विदुर जी के जो प्रश्न थे अभी तक उन सब के उत्तर मैत्रेय मुनि देना शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ जो भी आगे आने वाला है। जैसे कि पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, गर्भो दक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, ये बताएंगे पहले मैत्रेय मुनि जी। तो आप सबका कोई प्रश्न है? श्रद्धा और विश्वास में क्या? पहले विश्वास होगा फिर श्रद्धा होगा ना। किसी व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास, पहले विश्वास होता है उस व्यक्ति के प्रति, उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है। दोनों दो चीज है ना। अगर आपको एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि ये व्यक्ति सच्चा है, ये हमें ज्ञान देगा, या हमें ये, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो फिर आदर श्रद्धा ये उत्पन्न ही नहीं होगा। पहले क्या होगा उत्पन्न? पहले विश्वास, विश्वास के बाद आएगा श्रद्धा। रेस्पेक्ट, श्रद्धा मतलब वही हुआ ना, श्रद्धा नहीं, विश्वास, विश्वास के ऊपर होगा श्रद्धा। तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। आस्था मतलब विश्वास, आस्था, ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ये जो सारे शब्द हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का है ना, हल्का सा परिवर्तन है। नहीं, श्रद्धा में पूजा का भाव आता है, पूजनीय है, कहते हैं ना ये व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। तो हाँ, तो जब कोई पूजनीय होता है उसका सबसे पहला स्टेप होता है श्रद्धा, उसके बाद पूजा है ना। श्रद्धा के बाद पूजा होगा, पहले श्रद्धा होगी, पहले विश्वास होगा, फिर श्रद्धा होगी, फिर पूजा होगी उसकी। हाँ नहीं, भक्ति अलग चीज है। देखिए भक्ति तो भगवान की होती है, भक्ति किसकी है? हाँ, श्रद्धा तो मनुष्य के ऊपर होती है। आपके माता पिता के ऊपर श्रद्धा होता है, गुरु के ऊपर श्रद्धा होती है ना। बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, पर भक्ति हम भगवान के लिए करते हैं, है ना। भक्ति भगवान के लिए ही होती है, भक्ति और किसी के लिए नहीं होती है, ये फर्क है। किसके? किसके? नंद महाराज के। नंद महाराज कहाँ से आ गए? विदुर जी इनके भाई थे, ये जो धृतराष्ट्र पांडु, इनके भाई थे विदुर जी। माता अलग थी दोनों तीनों की, पर भाई सौतेले भाई बोल सकते हैं आप, पिता एक ही थे, दासी पुत्र थे। हाँ विदुर जी, काका क्यों नहीं कहेंगे? देखिए युधिष्ठिर, अर्जुन, ये जो पांचों भाई थे, ये सब कुंती माता के और मादरी माता के पुत्र थे, है ना। कुंती और मादरी, मादरी माता तो चली गई उसी समय जिस समय हाँ जन्म हुआ उसी समय चली गई। तो ये जो पांच बच्चे हुए ये कुंती माता के हुए, और कुंती माता हुई बुआ कृष्ण की, देवकी की, सॉरी वसुदेव जी की बहन। तो अर्जुन की माता अगर कुंती माता है, और अर्जुन के चाचा हुए विदुर जी, तो अर्जुन हुआ कृष्ण का भाई। अर्जुन क्या हुआ?
का फुफेरा भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब, तो कृष्ण का फुफेरा भाई हो गए ये लोग। और ये जिसको चाचा कहेंगे उसको कृष्ण भी चाचा ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? अर्जुन के चाचा विदुर जी और अर्जुन कृष्ण का भाई। तो इसीलिए जब आप अपने नानी के घर जाते हैं, आप अपने नानी के घर गए अगर, तो वहां पे आपका अगर नानी के घर नहीं, वहां बुआ के घर, तो कृष्ण अगर बुआ के घर जाते हैं तो बुआ के जो बच्चे हैं, बुआ का जो परिवार है, तो बुआ के बच्चे का जो रिश्ता रहेगा वही रिश्ता से आप भी पुकारिएगा ना, इसीलिए। समझ में आई बात? ये मिले हैं स्थान वृंदावन के ही नजदीक कहीं, भगवान के जाने के बाद। नहीं, उद्धव जी मिले थे ना पहले, कौन मिले? मैत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि को भगवान ने ज्ञान दिया, मैत्रेय मुनि को भगवान ने ज्ञान दिया। जब ज्ञान भगवान उद्धव जी को दे रहे थे तो मैत्रेय मुनि भी वहां थे, है ना? तो उनको ज्ञान दिया और उनको कहा कि तुम देना विदुर को ज्ञान। हाँ, प्रभास क्षेत्र जहाँ भगवान, जहाँ पे भगवान को तीर लगा ना, वहीं पर उद्धव जी थे और वहीं ज्ञान दिया उन्होंने जाने से पहले। हाँ, उनको ये भी बताया कि तुम नर नारायण के वहां जाओ। हाँ, तो उद्धव जी ज्ञान नहीं दे रहे ना, ज्ञान देने की सेवा, ज्ञान देने की सेवा मैत्रेय मुनि को दिया, मैत्रेय मुनि को बताया था भगवान ने ज्ञान, मैत्रेय मुनि को दिया। इसीलिए मैत्रेय मुनि विदुर जी, जब विदुर जी ढूंढ रहे थे, सब जानना चाह रहे थे, तो विदुर जी को किसने बताया? उद्धव जी ने शायद बताया कि भगवान, सॉरी, आपको मैत्रेय मुनि से मिलिए, आप मैत्रेय मुनि से मिलिए। भगवान ने मैत्रेय मुनि को ज्ञान दिया है और मैत्रेय मुनि को कहा कि आप दीजिएगा ज्ञान विदुर जी को। तो इसीलिए मैत्रेय मुनि से विदुर जी मिले, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हो गया प्रश्न सबका? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद्भागवतम ग्रंथ की जय। दाई गौर हरि।